क्या आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो इसके लिए सबसे पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ये ब्लैक कलर का हो जाएगा और साइड में जो बेल बटन आता है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। और हाँ, मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किचन के जो मोस्ट मतलब होता है ना थोड़ा सा डार्क एरिया, थोड़ा सा मैसी एरिया जो होता है वो है किचन सिंक का नीचे का एरिया। नॉर्मली क्या होता है ना, वो जगह हम लोग बहुत ज्यादा अवॉइड कर जाते हैं। कभी कभी हम लोग उसमें मतलब उसको ऐसे खाली छोड़ देते हैं, नहीं तो हम लोग उसमें डस्टबिन रखते हैं। लेकिन वो जगह भी अच्छे से अगर आप ऑर्गेनाइज करके रखो तो बहुत सारे सामान वहां पे आप रख सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने कैसे अपना जो किचन सिंक का जो नीचे का एरिया है उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया है। और एक बात, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने जितने भी सामान यूज किया है कुछ भी सामान मैंने खरीदा नहीं है। आप बोल सकते हो ये नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि जितना भी सामान आप देखोगे वहां पे सारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए सारे मैंने अरेंज किया है। जैसे जो जो कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे चीज हमारे घर में ऐसे रहते हैं कि जो यूज नहीं होता है। कभी कभी हम लोगों को लगता है कि अरे इसको घर में रख के हम लोग ऐसे ही डंप कर रहे हैं तो इसको मतलब फेंक देना अच्छा है इससे, लेकिन कभी कभी वो चीज ना बहुत काम में आता है। तो वही मैंने किया, बहुत सारा मतलब वेस्ट मटेरियल का यूज किया है और कुछ सामान जो मेरे घर में ऐसे ही पड़ा हुआ था उस सारे चीजों को यूज करके मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन किया है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन किया है। तो दोस्तों, ये है मेरे किचन सिंक के नीचे का एरिया जो कि आपको देख के बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको मतलब हर दो दिन में अरेंज करने की कोशिश करती हूँ कि इसको अच्छे से रखूँ मैं। लेकिन कुछ भी मतलब ऐसे रखने से कुछ भी लेने जाती हूँ तो एक चीज़ लेने जाती हूँ तो दो चीज़ गिर जाता है और फिर कुछ भी सामान ढूंढने से मिलता नहीं है। तो इस तरह से प्रॉब्लम होती थी मुझे, तो मैंने सोचा कि इसको अच्छे से मैं अरेंज करके रखूँ। तो सबसे पहले मैं इस जगह को एकदम खाली करूँगी और उसके बाद इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे पहले मैंने जो चीज़ लिया है वो है ये शू रैक। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जब अकेले रहते थे तब ये शू रैक वो यूज़ करते थे, लेकिन अभी इसका कुछ यूज़ नहीं होता था। ये हमारे घर में ऐसे ही पड़ा हुआ था, इसको रखने पे भी मुझे बहुत मतलब दिक्कत होती थी मैं इसको कहाँ रखूँ। लेकिन ये जो शू रैक है इसका 4 रैक है तो ये मुझे बहुत हेल्प करेगा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए। और ये जो शू रैक है ये मेरी सिंक एरिया का जो मतलब हाइट है उससे बहुत अच्छे से मैच हो रहा है, ताकि मैं चीज़ों को ना इसकी हाइट का भी यूज़ कर सकूँ चीज़ें रखने में। तो ये मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ। तो इसको मैं ऑर्गेनाइज करूँगी ये जगह के लिए, और ये जगह के लिए परफेक्ट है। और दूसरी साइड में मैं यूज़ कर रही हूँ इस टाइप का जो कार्डबोर्ड की जो बॉक्सेस होते हैं। नॉर्मली हमारे घर में ये बहुत मतलब किसी के घर में भी ये बहुत इजीली अवेलेबल होगा। अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कुछ भी शॉपिंग करते हैं, अगर आपके पास शूज़ के बॉक्सेस हो तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो बॉक्स है इसका एक हिस्सा मैंने काट लिया है और जैसे बास्केट होता है उसी तरह से, तो इसी तरह से बहुत सारे बास्केट मैंने बनाया है। नॉर्मली किचन के लिए आप जितना भी बास्केट खरीदो वो कम ही पड़ जाता है, तो इसीलिए मैंने ये दूसरा तरीका सोचा है कि बिना बास्केट के ऊपर मैं कुछ भी खर्चा ना करूं, लेकिन बास्केट मैं मतलब बना लूं, तो इसीलिए मैंने ये कार्डबोर्ड का यूज़ किया है। और इसको मैं मतलब यूज़ करूँगी तो मेरा जो एरिया है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज लगेगा और बहुत ही इजीली मैं इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकती हूँ, वो बिखरा हुआ नहीं लगेगा और एक एक चीज़ जो है वो सेपरेटली रहेगा। और उसके बाद मैं इसके ऊपर ये जो वाइट पेपर है उसको रैप कर दूँगी ताकि वो दिखने में अच्छा लगे।
और रैपिंग के बाद बॉक्स के बाहर मैं वो मतलब लिख दूंगी कि मुझे इसमें क्या रखना है, क्या चीज़ मैं इसके अंदर रख रही हूँ, ताकि मेरे अलावा अगर कोई इसको यूज़ करे, कोई किसी चीज़ की मतलब किसी को ज़रूरत हो तो वो आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए, और ये ट्रांसपेरेंट नहीं है तो बाहर से हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या है। तो ऐसे अगर मैंने इसको बाहर से लिख के रख दिया तो ये इजीली मुझे पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या सामान है। और ये जो बॉक्स मैंने बनाया है, इसके चारों तरफ मैंने वाइट पेपर नहीं रैप किया है, जो साइड बाहर की तरफ रहेगा बस उसी साइड में मैंने रैप किया है, बाकी साइड को मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि वो साइड बाहर से दिखेगा नहीं। तो मुझे लगा कि वो साइड में अगर आप चाहो तो कर सकते हो, पूरे बॉक्स को आप मतलब वाइट कलर में कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या किया, एक मतलब वही साइड किया जो बाहर से दिखेगा। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा मतलब आपका टाइम भी बच जाता है। तो मैंने इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ किया, और वाइट कलर मैंने इसलिए चूज़ किया कि कभी कभी क्या होता है ना, सिंक एरिया जो होता है वो इतना लाइट नहीं आता है उस जगह में, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा डार्क भी रहता है, तो इसीलिए अगर आप वाइट कलर यूज़ करोगे तो वो जगह जो है वो मतलब थोड़ा सा मतलब ब्राइटनेस आएगा उस जगह का, तो इसलिए मैंने वाइट कलर चूज़ किया है। जैसे हमारे घर में तो लाइट अच्छे से आता है, लेकिन पहले हम लोग जिस घर में रहते थे वहाँ सिंक एरिया जो था वो थोड़ा सा डार्क था, तो इसीलिए मैं वाइट कलर ही प्रेफर करती हूँ, वाइट कलर की पेपर ही मैंने इसलिए रब किया है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा ऑर्गेनाइज हो गया है। उसके बाद मैं बनाऊँगी इस ट्रे के लिए स्टैंड, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो सिंक एरिया होता है उसमें जो पाइप होता है, पाइप लीक करके कभी कभी पानी बाहर भी आ सकता है, ये इमरजेंसी के लिए, ऐसा नहीं है कि ये मतलब नॉर्मली होता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो इसीलिए नीचे मैं जो ट्रे रखने वाली हूँ उसके नीचे मैं ये स्टैंड लगाऊंगी। मेरे पास ये एक्स्ट्रा था तो मैं इस टाइप का स्टैंड यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ अगर आपके पास बॉटल का कैप हो तो एक साइज़ का जो मतलब एक ही तरह का चार कैप लेके आप मतलब चार कैप नीचे में स्टिक कर सकते हो। इससे भी क्या होगा, ये अच्छे से स्टैंड बन जाएगा, और अगर नीचे कभी पानी वानी मतलब आ भी गया तो आपका जो ट्रे है वो ख़राब नहीं होगा और सामान भी ख़राब नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये स्टैंड का यूज़ किया है। अभी मैं एक एक करके जो मेरा सामान है उसको बॉक्स के अंदर डालूंगी, और ये जो बॉक्स है इसमें मेरा एक्स्ट्रा जो क्लीनिंग का सामान होता है वो सब रखती हूँ मैं। और ऐसे रखने से बहुत ज़्यादा मतलब इजी हो जाता है इसको यूज़ करना, कभी भी मुझे ज़रूरत पड़े तो आसानी से मिल जाता है, इसको इतना ढूंढना नहीं पड़ता है। तो इसी तरह से और एक बॉक्स मैंने बनाया है गार्डन की, जो मेरे सारे चीज़ें होते हैं, तो इसी तरह से मैं ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर रखती हूँ। कभी कभी मतलब कभी नहीं, नॉर्मली मेरे हस्बैंड को ये बहुत मतलब ज़्यादा ज़रूरत होता है, वो ज़्यादा गार्डनिंग का मतलब काम करते हैं, तो इसीलिए उसको इजी रहेगा ये सब निकाल लेना। अगर मैं मतलब मुझे बोलना भी नहीं पड़ेगा, उसको मतलब पता चल जाएगा वो देखने से। और यहाँ पे मैं रखती हूँ एक्स्ट्रा स्टॉक, मतलब जो छोटे मोटे एक्स्ट्रा स्टॉक होता है जैसे हैंड वॉशर ये सब, उसको मैं इस बॉक्स के अंदर रखती हूँ। और मैंने ये छोटा सा ट्रे बॉक्स बनाया है, इसमें मैं रखूँगी जो डस्टबिन का जो पैकेट्स आता है, डस्टबिन कवर जो होता है उसको मैं रखूँगी, और उसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है जो एक्स्ट्रा पॉलीथीन पैकेट्स रहता है उसको भी मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और सबसे इजी बात होता है कि इसको मैं ऐसे ऐसे निकाल लेती हूँ तो ये इजीली बाहर आ जाता है, और इसको निकालना इतना झंझट भी नहीं रहता है, तो मुझे यूज़ करना इजी होता है। और यहाँ पे मैं रखती हूँ एक्स्ट्रा जो किचन टॉवल होता है मेरा, उसको मैं अरेंज करके रखती हूँ,
ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ता है मैं इजीली इसको निकाल सकती हूँ, मुझे इतना ढूंढना नहीं पड़ता है। और उसके बाद मैं रखूँगी ये ट्रे को, जिसके नीचे मैंने स्टैंड लगाया है, उसके अंदर मैं सारे जो क्लीनिंग का सामान होता है, एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, जो बड़े सामान मतलब ज़्यादा जो पैकेट होता है, बड़ा वाला जो पैकेट होता है, उससे मैं निकाल के ये छोटे छोटे स्प्रे बॉटल में डाल देती हूँ, ताकि मैं जब इसको क्लीन करती हूँ तो मुझे इजी होता है क्लीनिंग के लिए। तो इसी तरह से मैं क्लीनिंग के लिए ये सारे बॉटल को रखती हूँ। और ये जो ट्रे है, इसके अंदर मैंने ये मोटा सा कार्डबोर्ड दे दिया, क्योंकि ये इसका जो मतलब पेपर है वो थोड़ा सा मतलब इतना हेवी नहीं है, तो इसीलिए हेवी एक कार्डबोर्ड मैंने इसके नीचे दे दिया है। तो अभी मेरे इस जगह के लुक कुछ इस तरह से हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जगह कितनी वेल ऑर्गेनाइज लग रहा है, कितना क्लीन लग रहा है। अभी भी बहुत सारे स्पेस ऐसा है जहाँ पे मैं और भी सामान रख सकती हूँ, और इस तरह से ये जगह मैं यूज़ कर रही हूँ अभी, और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। और कुछ भी सामान रखने का या निकालने का मुझे कोई झंझट नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा मतलब सबसे बड़ी बात जो है, ये जगह बहुत ही क्लीन दिख रहा है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने सामान रखने के बावजूद ये एरिया में अभी भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे मैं बहुत सारे अभी सामान रख सकती हूँ, इसको यूज़ कर सकती हूँ। देख सकते हैं कि मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइजेशन लग रहा है। एक तो मैं ये हाइट को यूज नहीं कर पाती थी, क्योंकि जितना भी सामान मुझे रखना था वो नीचे ही रखना होता था। और अभी मैंने ये रैक की मदद से मैंने क्या किया, इसको मतलब इसका जो हाइट है उसको भी यूज कर सकी, और ये जगह मेरा भी अच्छे से यूज हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जगह इतना मतलब ऑर्गेनाइज है कि इसमें और भी स्पेस है जहां पे मैं कोई भी सामान यहाँ पे रख सकती हूँ। लाइक अगर आप यहाँ पे डस्टबिन रखना चाहते हो तो यहाँ पे आप रख सकते हो, इजीली आप यहाँ पे डस्टबिन रख सकते हो। लेकिन मैं डस्टबिन वगैरह जो होता है वो यूटिलिटी में रखती हूँ, तो इसीलिए ये जगह जो है मेरा खाली रहता है। अगर मैं चाहूँ तो और भी सामान यहाँ पे रख सकती हूँ। तो दोस्तों ये था मेरा आज का ऑर्गेनाइजेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।